गोलाबार थाना क्षेत्र के बल्ली चौराहे के पास मेडिकल स्टोर संचालक रामाश्रय मौर्य की 5 गोली मारकर हत्या को अंजाम देते हुए अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम को भी लगाया गया था। घटना के मुख्य साजिशकर्ता अभिषेक मिश्रा ने 2 सूत्रों को 3 लाख रुपए की सुपारी देकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या करवाई थी और 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से दे भी दिया था, जिसमें पुलिस ने एक शूटर मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू पुत्र आमानुल्लाह निवासी चकसा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा शूटर अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। साथ ही घटना में इस्तेमाल एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक पिस्टल 32 बोर के साथ ही 3 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किया। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि जमीनी विवाद में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या शूटरों की मदद से करवाई गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक मिश्रा ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि परिजात एसोसिएट ने जिन पक्षों से जमीन खरीदी थी, लेकिन अभी परिजात एसोसिएट और जमीन संबंधी अन्य सभी लोगों ने जमीन पर कब्जा नहीं पाया था, इसलिए रामाश्रय मौर्य को जल्द से जल्द रास्ते से हटाने का दबाव मेरे ऊपर था। मैंने विगत 19 तारीख को शूटर गोलू उर्फ अशरफ और उसके एक साथी को 3 लाख रुपए की सुपारी देकर रामाश्रय मौर्य की हत्या करवाई थी। घटना में इस्तेमाल बुलेट मैंने ही शूटरों को दी थी। शूटरों को मैंने 2 लाख रुपए पहले ही दे दिया था और काम होने के बाद 1 लाख रुपए और देना था। पुलिस ने घटना के नामजद 4 आरोपियों सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल और एक पिस्टल 32 बोर 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए सभी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी ने मृतक के दुकान और उसके घर जाने की पूरी रैकी करते हुए शूटरों की मदद की थी। विगत 7 तारीख को इसी विवाद में न्यायालय में तारीख था, उसी दिन हम लोगों ने घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन घटना को अंजाम नहीं दे पाया गया और बाद में 11 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था। खुलासे के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट सुमित शुक्ला और सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, व्यापारी जमीन खरीद करके इस तरीके क्राइम करने का सोचा है कि हम कब्जा क्राइम करके कर लेंगे, तो जितने भी भूमाफिया है या जो भी जमीन विवादित जमीन खरीदने की कोशिश करेंगे और विवादित जमीन पर कब्जा करने के क्राइम के माध्यम से कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो हम लोग इस केस में कर भी रहे हैं। कब्जा इनका है तो कब्जा उनके पास बिना लीगल अथॉरिटी के नहीं आ सकता। सफारी में ये लोग थे, सफारी भी हमें मिल गई है, जो सफारी में लोगों ने घटना कर दी है। अभिषेक मिश्रा की है, अभिषेक मिश्रा के नाम से है, उसके भाई के नाम से सफारी है, तो अभिषेक का भाई भी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन देखा जाएगा कि वो सफारी इसको दी थी। जो भी रास्ते से हटाने या क्राइम करने की सोच रहे हैं वो सावधान हो जाए कि विवादित जमीन खरीदे और फिर उसमें जो है कब्जा करने का इनलीगली प्रयास करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई बहुत ही कड़ी की जाए। केस से हम लोग ये विभिन्न लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं जो अभी पूछ रहे थे लोग कि साहब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। 3 लोगों नाम लिया मैंने, ये लोग भी शामिल है, इन्होंने भी खरीदा था। परिजात बाद में बना, परिजात अभी बना, परिजात एसोसिएट्स ने अपने नाम रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले कराई है। संजय शुक्ला, सीमा यादव, अभय पांडे, जिसमें से नाम से मुझे शायद सीमा यादव तो नाम से थे, तीनों नाम से थे।
संजय सीमा और संजय शुक्ला सीमा यादव और अभय पांडे, ये तीनों नाम से थी इस मौके पर। क्या सीमा की गिरफ्तार हुई नहीं? संजय शुक्ला गिरफ्तार हुआ है, अभय पांडे के भी अरेस्ट नहीं हुआ है, वांटेड है जी। और ये सीमा यादव भी वांटेड है, और सीमा यादव के नाम तो रजिस्ट्री भी है, सीमा यादव के लोग जिन्होंने रजिस्ट्री कराई वो भी जिम्मेदार है इसके लिए जी। सीमा यादव तो एक वो है मोहरा है, मोहरा है इसके पति जो दुर्गेश यादव है, जो है उसको तो मोहरा बना दिया गया है। इन्होंने बालिजा रेस्टोरेंट बनाया, और जो लोग बालिजा रेस्टोरेंट में शामिल नहीं हुए जिनके पास जमीन का कुछ भाग था जी, यानी रजिस्ट्री उनके नाम से थी, जैसे दो पक्ष और है जिनके नाम थे, नाम से मुलजिम भी है वो लोग, इन लोगों ने जमीन बेची बालिजा रेस्टोरेंट को। अच्छा, और जमीन जिसमें 95 डिसमिल जवाहर की जमीन थी, इसको परिजात को दिया 3 माह पूर्व। ये तो उनके पिता है, जो भी है जवाहर की थी। 1 एकड़ 40 मिलियन पंकज साई की थी, जो इस परिजात को 2 महीने पहले दी गई, 2 महीने पहले बालिजा रेस्टोरेंट को दी पंकज साई ने 1 एकड़ 40 मिलियन जमीन, इसी में इसी यही जमीन सैम जमीन। और 2 एकड़ 552 डिसमिल जो है ओम प्रकाश जायसवाल ने 7 महीने पहले परिजात को दी। इस तरह से जमीन टोटल इन लोगों ने, जो बालिजा रेस्टोरेंट के मेंबर नहीं बने इन्होंने पैसा ले लिया, और जो मेंबर बन गए उन्होंने पैसा दिया, उनके माध्यम से पैसे दिलवाए गए। यहाँ तक कि कुछ पैसा अभी भी अभिषेक मिश्रा के और इन जो लेने देने वालों के बीच शायद अभी भी बाकी रह गया है। और यहाँ तक कि जो 65 लाख रुपए दिए गए इसको सेटल कराने के लिए मस्तक पक्ष से, उस 65 लाख में से कुछ पैसा जो ये कौन से बंधु है, जैसे पंकज साई से एडजस्ट नहीं होने थे कि पंकज साई की जमीन में जो पैसा है वो 30 लाख बाकी रख लिया गया, कह दिया कि भाई तुम उससे ले लेना, अभिषेक मिश्रा पर पंकज साई से ले लेना पैसे 30 लाख रुपए इस 65 लाख में से, और उसको उतना पैसा दे दिया गया जो कीमत थी उसमें से कुछ दे दिया गया, कुछ बाजे देने की बात। हम लोग पॉलिटिक्स भी निकलवा रहे हैं कि जो अभिषेक मिश्रा है उसकी और इन नामजद मुलजिमों की क्या क्या आपस में पॉलिटिक्स रही है पिछले दिनों में, क्या क्या भूमिका निभाई। इस तरह से अभिषेक मिश्रा ने यह भूमिका निभाई कि इनकी सबकी जमीन लेकर के और पंजाब रेस्टोरेंट को दिलवा करके, और उन लोगों को जिनकी जमीन नहीं बची है उनको पूरा पैसा दिलवाया जाए, इसका मृतक पक्ष से समझौता करके सेटलमेंट करके कैसे भी करके, और ये करके जो है पंजाब रेस्टोरेंट को पूरी जमीन दिलवा जाए, इसके बदले में 65 लाख रुपए उसने लिए। 2 लाख रुपए का उसने बकायदा चेक दिया गोलू मोहम्मद अशरफ को 2 जनवरी को, और उसकी कॉलिटर से वो है हमारे पास अशरफ का कोई क्राइम रिकॉर्ड, अशरफ का सर वो क्राइम रिकॉर्ड जेल नहीं है, अशरफ अभी जेल नहीं गया, फर्स्ट टाइम जेल जा रहा है। इसके पहले कोई वारदात किया हो? इससे पहले कोई मतलब इस तरीके की वारदात अभी तक सामने नहीं आई, हम अभी जांच कराएंगे और किसी जिले में है तो अभी क्राइम हमारे सामने नहीं है। अशरफ उसमें गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, आप लोग पकड़ सकते हैं आप जानते नहीं इस बात को, सुपारी की टोटल रकम किसी कॉमन मैन को भी पावर देती है, कोई भी आदमी अरेस्ट कर सकता है किसी को, वांटेड हो कोई 3 लाख कई बार अंडर टोटल 3 लाख पूरी सुपारी का खर्रा उधर से इधर आ जाएगा या बात भी बन जाएगी। अरे सफारी मिल गई है, और ये अब ये बता दिया मैंने कि बाजी रसूल में कुछ लोग जिन्होंने जमीन खरीद के वो शामिल होंगे, और जो शामिल नहीं हो उन्हें बाजी रसूल जमीन दे दी, जमीन पर पूरा कब्जा जब तक न हो जाए तब तक बालिजा रेस्टोरेंट ने पैसा रोक लिया था, उनको नहीं दिया गया, जिनको पैसा नहीं मिला था वो और बालिजा रेस्टोरेंट सभी ने मिलकर के जिम्मेदारी राहुल और अभिषेक मिश्रा को दी थी कि इससे कैसे करके सेटल कराओ, इसके लिए तरीका चाहे कुछ भी अपनाना पड़े। ये खोरापार में 19 तारीख को एक घटना हुई थी मर्डर की, उस घटना का खुलासा हुआ है, और उसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 10 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से 4 नामजद अभियुक्त है और 6 जो नामजद नहीं है, उसमें अभिषेक मिश्रा और राहुल पुत्र राजेंद्र मिश्रा ये मुख्य भूमिका में रहा है, और उसने शूटर अरेंज करके इस घटना को कराया है। शूटर में मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू को हमने अरेस्ट किया है, इसके अलावा हमने 4 लोग और अरेस्ट किए हैं जो अभिषेक मिश्रा के साथी हैं, अजय मिश्रा, हनुमान मिश्रा, प्रदीप शुक्ला और कृष्ण मोहन तिवारी, ये सभी लोग सफारी में थे उस दिन, घटना के टाइम में घटना पर थे, घटना के आगे थे, और मोटरसाइकिल पे 2 शूटर थे, जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसमें शूटर थे वो हमने बरामद की है, मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू और एक और शूटर शामिल है इसमें।
उसमें इन लोगों ने इसको गोली मारी और इसका हत्या कर दी। हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद था और एक जमीन जो मृतक पक्ष है और उसके पट्टेदारों के बीच में काफ़ी सालों से विवाद चल रहा था और पूरी जमीन जो 10 एकड़ के आसपास थी उस पर मृतक पक्ष का ही कब्जा था। मृतक पक्ष 4 भाई हैं और उसके पट्टेदार 4-5 लोग और हैं, उनका कब्जा नहीं था। तो जब कब्जा नहीं हो पाया उन पट्टेदारों का तो उन लोगों ने वो ज़मीन अलग अलग लोगों को बेचते गए। बेचते बेचते 4-5 लोगों को जब अलग अलग लोगों को बेच दी, जब फिर भी कब्जा नहीं पाए लोग और चकबंदी में और केस चलता रहा, हाईकोर्ट में केस चल रहा था अभी इसका, कब्जा नहीं पा रहे थे कंटिन्यूसली, तो इन लोगों ने एक पारिजात एसोसिएट्स करके एक पारिजात एसोसिएट्स को ज़मीन ये बेची। इसमें टोटल पारिजात एसोसिएट्स में इस ज़मीन खरीदने वाले, जो विवादित ज़मीन थी जिस पर कब्जा नहीं था उन लोगों का, उसको खरीदने वाले जो लोग थे वो संजय शुक्ला, सीमा यादव वाइफ ऑफ दुर्गेश यादव और अभय पांडे, इनके पास उस ज़मीन के कागज़ भी थे और कुछ कभी ने खरीद भी ली थी। इस पारिजात एसोसिएट्स ने यह किया कि यह ज़मीन पूरी पूरी हम ले रहे हैं और इस पर कब्ज़ा अभिषेक मिश्रा के माध्यम से हम लोग ले लेंगे। अभिषेक मिश्रा ने उनको ऐसा विश्वास दिलाया और ये 3 लोग जिनके पास ज़मीन थी और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पारिजात एसोसिएट्स में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन लोगों से भी अभिषेक मिश्रा ने ज़मीन खरीदी और पारिजात एसोसिएट्स को दिलवाई। इस तरह यह अभिषेक मिश्रा ने यह कन्फर्म कर लिया इन लोगों से बात करके कि भाई किसी भी तरीके से मृतक पक्ष से हम लोग आपको ज़मीन दिलवाएंगे या कब्ज़ा दिलवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए अभिषेक मिश्रा और राहुल मिश्रा ने 65 लाख रुपीज़ में तय हुआ कि ज़मीन हम लोग ले लेंगे। इसी बात को लेकर के अभिषेक मिश्रा पर दबाव बनता गया इन सब पक्षों का, पारिजात एसोसिएट्स का और इन सभी पक्षों का जिन्होंने ज़मीन बेची थी, क्योंकि उनको भी पूरे पैसे नहीं मिले थे। पारिजात एसोसिएट्स में भी ने भी यही कहा था उन लोगों को भी कि हम पैसे आपको पूरे तभी देंगे जब यह ज़मीन पूरी की पूरी कब्जा पारिजात एसोसिएट्स के नाम से हो जाएगा, तभी सबको पूरा पेमेंट किया जाएगा। इस बात को अभिषेक मिश्रा और राहुल मिश्रा ने 65 लाख रुपए लेने का बात कही और इनके ट्रांजैक्शंस भी हैं, हम लोग कॉल डिटेल्स भी निकाली इनकी और ट्रांजैक्शंस भी हम लोग पिछले 1-1.5 साल में जो हुए हैं वो ले रहे हैं। अभिषेक मिश्रा ने 2 लाख रुपए में शूटर हायर किया जो मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू था, उसको मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू के नाम से चेक दिया, बाकायदा 2 लाख रुपये का चेक दिया, उस चेक को भुनाया उसने और उसके साथ ही शूटर को दिया। 2 शूटर शामिल थे इसमें, जिसमें से हमें एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है, एक वांटेड है हमारा जो हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। नामजद अभियुक्त उसमें इस भूमिका में है शामिल कि उन लोगों ने कब्जा नहीं पाया, ऐसी विवादित ज़मीन खरीदी और उसके बाद कब्जा पाने के लिए एक अभिषेक मिश्रा जैसे आदमी को हायर किया और अभिषेक मिश्रा ने उसको ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें हम लोगों ने टोटल 10 लोग अरेस्ट किए हैं जो अभिषेक मिश्रा के साथ ही हैं, ये हमेशा अभिषेक मिश्रा के साथ ही रहते हैं और इस तरीके की विवादित ज़मीन खरीदना, उन पर कब्ज़ा दिलवाना इस अभिषेक मिश्रा का काम है और अभिषेक मिश्रा ने इस तरह से 302 के अपराध की भूमिका में शामिल है अभिषेक मिश्रा, मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू, अजय मिश्रा, हनुमान मिश्रा, प्रदीप शुक्ला और कृष्ण मोहन तिवारी, ये 302 के अपराध के मुलजिम हैं और जो नामजद अभियुक्त हैं वो 120 बी के कुछ मुलजिम हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी नए तथ्य आएंगे, जो भी नई चीज़ें आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने पारिजात एसोसिएट्स को जो ज़मीन खरीदी थी लगभग 2 महीने पहले इनका रजिस्ट्री हुई है, लेकिन अभी भी दाखिल खारिज जो हुआ है वो नहीं हुआ है। पारिजात एसोसिएट्स के नाम से पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसके जस्ट बाद ही लगभग 25 दिन पहले इन्होंने चेक भी दे दिया था, 7 तारीख को एक बार योजना भी बनाई थी कि पेशी पे आएगा उस दिन हम लोग इनको मार सकते हैं, लेकिन उस दिन ये लोग सफल नहीं हुए और उस दिन सफल हुए जिस दिन ये घटना हुई है। और अभिषेक मिश्रा ने ही जाकर के इसकी दुकान दिखवाई थी इस शूटर को और दुकान दिखवाने के बाद इन्होंने घटना का अंजाम 19 तारीख को दे दिया।